हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस बार लोगों में लगातार ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को है या 12 अगस्त को। हिंदू धर्म में सावन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं, साथ ही भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस बार रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो आइए आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। इस बार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 अगस्त को सुबह 10:38 से होगी। पूर्णिमा तिथि के अगले दिन 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगी। इस बीच में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। इस रक्षाबंधन पर एक साथ 4 योग बन रहे हैं। ये योग 10 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। 10 अगस्त की शाम 7:35 से 11 अगस्त को दोपहर 3:31 आयुष्मान योग रहेगा। 11 अगस्त को सुबह 5:53 तक रवि योग रहेगा। इसके साथ 11 अगस्त को दोपहर 3:32 से अगले दिन 12 अगस्त को सुबह 11:33 तक सौभाग्य योग रहेगा। राखी बांधने का शुभ समय 2 मुहूर्त में रहेगा। रक्षाबंधन के दिन यानी 11 अगस्त की सुबह 11:37 से शुरू होगा, जो दोपहर 12:29 अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में कभी भी राखी बांधी जा सकती है। वहीं दूसरा शुभ समय विजय मुहूर्त दोपहर 2:14 से शुरू होगा, जो 3:07 तक रहेगा। रक्षाबंधन के दिन हिंदू धर्म में लड़कियां या महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन उत्तर भारत का महत्वपूर्ण त्योहार है और करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था का पर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।